भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ नहीं। जब मैं चैनल लॉन्च करने से पहले लोगों ने कहा गया कि बड़े बड़े सिंगर से गवाना पड़ेगा तो चैनल चलेगा, ऐसा शिल्पी राज से गवाना पड़ेगा। तो हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम नया लोगों को काम देंगे, जो नया सिंगर होंगे उनको हम बड़े बनाएंगे। कल उठ के वो सिंगर जाकर बोल सके कि डीजी म्यूजिक ने मुझे बनाया। क्या बात है, वाह वाह। तो इसीलिए हमारा जो सिंगर है जिसका गाना आपने देखा है वो सोनी शिल्पी नाम है, उनसे मैंने 7 गाना अभी तक गा चुका हूँ और उनसे अभी 20 गाना और गाऊंगा सोनी शिल्पी से। सोनी शिल्पी शायद शब्दों में सबको बताए कि क्या है खास आज। सर सेंटर में आओ, इधर आओ, इधर इधर। मेरा खास है ना सुनील भाई बताएंगे। सर आप बोलिए दो शब्द। सुनील भाई बोलना पड़ेगा ना, सुनील भाई तो बोलेंगे। मिनिमम 2 शब्द तो बोल दीजिए, बाकी तो इनको लव यू बोल दीजिए कम से कम। एक्चुअली देखिए आज चैनल का तो गाना हमने सुबह 6:30 को हमारा लॉन्च हो चुका है और आज बेसिकली आप लोगों को बुलाया गया इसलिए कि हमारा जो चैनल है डीजी म्यूजिक इसको लॉन्च करने के लिए। हमारा गाना ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और गाना भी दिखाने का मकसद था कि आप लोगों को बुला के गाना भी दिखा दूं और डीजी म्यूजिक को अभी ये इन हस्तियों के हाथ में हम अभी लॉन्च करने वाले हैं। अभी सुनील जी गाना देखे नहीं है अभी तक, अभी अभी आए हैं, फिर उनको भी गाना दिखाया जाएगा। सर सर आप कुछ कहिए। मैं जी हाँ, सबको पहले तो नया साल की बहुत बहुत बधाई है सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जो ये ब्रेक आया मैं सबसे पहले तो मेरे लाडले सुपरस्टार स्टारों को स्टार अशोक जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इनसे मेरे कई सालों के ताल्लुकात रहे हैं और हमेशा हम सोचते थे कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, कहीं ना कहीं मिले, पर पहली मरतबा ये मेरा सुपरस्टार मतलब एज ए डायरेक्टर मेरे ख्याल से मैं ये पहला ही गाना देख रहा, बाकी मैं तो कैमरा काफ़ी किए हैं मगर ये डीजे म्यूजिक के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये डीजे म्यूजिक के लिए जो भी, तो इसीलिए तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे इन्होंने 10 गाने किए, शायद 11वां गाना मैं भी करने की कोशिश करूँगा इस ग्रुप के अंदर आके और करूँगा, क्योंकि इसमें मेरे भतीजे यानी इनके साहबजादे भी इसमें काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे मैं उसके लिए फीस दी। हमारा चैनल आज लॉन्च हुआ है। शिवा भाई हम सबके बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए क्योंकि एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट के अलावा बहुत अच्छे इंसान और एक अपनी टीम के साथ में बहुत ही प्यारा चैनल लॉन्च हुआ है जो इसका खास मकसद है। आप देखते होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम भोजपुरी के म्यूजिक चैनल आए हुए हैं लेकिन हर कोई अश्लीलता को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। कुछ ऐसे गाने आते हैं जिसे देखने के बाद दिलीप सर हमारे साथ खड़े हैं, शर्म से सर झुक जाता है लेकिन शिवा भैया ने अभी जो सॉन्ग यहाँ पे प्ले हुआ है हम सभी ने देखा, इसमें अश्लीलता से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस वही सपोर्ट। थैंक यू माही हमारी को होस्ट, थैंक यू माही। सो ये जो चैनल है 10 गाने रिकॉर्ड कर चुका है, एक के बाद एक सारे रिलीज करे जाएंगे और जैसा कि आपने पहला ही गाना देखा है साफ सुथरा भव्य मंच लगा हुआ है, भव्य स्टेज है, काफी कोरस अच्छे मंगाए गए हैं, सेलिब्रिटी जो इसमें काम करी है निशात जी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, म्यूजिक बहुत सारे चीजें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और शिवा भाई ने वादा करा है कि इस चैनल से लगातार गाने रिलीज होंगे और जो भोजपुरी को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाएंगे, इसी मकसद के साथ इस चैनल को लाया गया है। थैंक यू वेरी मच शिवा जी, आपने मेरे को अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर आसमां तक हमारे आ जाते तो इस म्यूजिक कंपनी के लिए हम सितारे बिछाते रहेंगे, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई यार। ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए क्या खूबसूरत सभा, क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। जी हाँ, ये शाम यादगार रहे इस वजह से हम सभी को
इस पूरी टीम को प्यार देना चाहिए और डीजी म्यूजिक जो है थोड़ा पीछे सबको वाइट मिल जाएगा सर शिल्पी चाहिए शिल्पी का ऑप्शन तो चाहिए था ना इसलिए हम लोग ने शिल्पी का एक ऑप्शन लाया है जो बहुत ही अच्छा गाती है आप लोगों ने गाना सुना ही होगा कितनी प्यारी इसने गाना गाया है तो हम लोग सिंगर में मेल और फीमेल दोनों लेके आ रहे हैं और दोनों मेल फीमेल सिंगर हमारे न्यू ही होंगे और उन लोगों को हम लोग रेगुलर काम देंगे रेगुलर उनसे गाना गवाएंगे और जैसा आपने देखा वीडियो इसी हिसाब से सारी वीडियो हम लोग फिक्स करेंगे साफ सुथरा और अच्छे लगेंगे बिल्कुल शिवा भैया बहुत बढ़िया बोल रहे हैं इस तरह का हमने अच्छा मुझे तो जहाँ तक पता था कि आप मीडिया से हैं ये ख्याल आपको कहाँ से आया क्योंकि आप लोग का साथ में रह रहकर ये ख्याल आ गया और शिवा भैया जो है सारी चीजें बैठ बैठ कर ही करते हैं बैठ के म्यूजिक बनाते हैं बैठ सर कुछ चल रहा है आपके दिमाग में मैं समझ गया एक दिन शिवा भैया से एंकर ने कहा कि एंकरिंग का मुझे फीस क्या देंगे बोले फीस तो बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि बंगाली आदमी है प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर पे बुलाया दो मछली मंदी बोले लो फीस अच्छा दोस्तों इस समय में ना सुनील सर के लिए मैं कुछ एक सुपर करेक्टर इंटर सिंगर अपने अपने शहर से बोरिया बिस्तर बांध कर किसी उम्मीद से किसी आशा से टी सीरीज के सामने आते हैं और सामने ही खड़े रहकर घंटों इंतजार करके वापस चले जाते हैं एक जमाना था जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे तो कम से कम टी सीरीज में नए कलाकारों की एंट्री होती थी जब से भूषण कुमार ने सब संभाल लिया पुराने कलाकारों पे निकाल रहे हो ठीक है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में हमारे म्यूजिक की दुनिया में और जो फिल्मों बजट की फिल्में बनाते हैं ये मेरे टाइम में क्यों कम हो जाता है इसके सामने बहुत अच्छा कर रहा था आपकी आवाज़ बुलंद है सर हाँ जी जो बजट फिल्में बनाते हैं दिलीप जी जिनके म्यूजिक का एक नॉर्मल बजट होता है उनको ना टी सीरीज पैसा देता है ना जी म्यूजिक पैसा देता है और अगर फ्री में भी रिलीज करता तो ऐसा रिलीज करते जैसे उन पे एहसान किया है मेहरबानी किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि भूषण कुमार ने कुछ करवाया तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त जहाँ पर बजट फिल्में अच्छे अच्छे गाने लेकर आए एक से बढ़कर गाने होते हैं मैं खुद पांच फिल्मों पर आ चुका हूँ मेरी फिल्मों में सोनू निगम साहब उदित नारायण साहब नीरज श्रीधर साहब शान साहब सुनिधि चौहान श्रेया घोषाल ऐसे कोई सिंगर भी जिन्होंने हमारी फिल्म में गाना लगाया लेकिन म्यूजिक कंपनी ने हमेशा हमारे साथ वही किया कि भैया देखते हैं रख के जाओ देखते हैं सुनते हैं क्या करते हैं और उनका कभी भी रेवेन्यू नहीं आया कभी पैसा नहीं आया मैं समझता हूँ कि ऐसे एक मेहनती आदमी का ईमानदार आदमी का चैनल आया है जो नए कलाकारों को उनके सिंगल के लिए जो बेचारे स्ट्रगल कर सकते हैं अगर अच्छा गाना बना सकते हैं तो गाना बन के आप इनको दीजिए ताकि मैं समझता हूँ कि आने वाले जमाने में इनमें से भी कोई स्मृति चौहान बने श्रेया घोषाल बने शान बने कुमार शानू बने सब लोग बने दिलीप सेन सर बने दिलीप सेन बने और जो मतलब जो डिजर्व करते हैं वो सब मामला मिले इतना ईगो बढ़ा दिया कि मैं एक बात चार बार सुना दे रहा हूँ पहले तो मैं ये कहूंगा कि नए साल के वक्त ये नई खबर सबको सुनने मिली और नया एक लॉन्च हुआ चैनल तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि 2024 हम लोगों के लिए खुशियां भरी है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि हमारे राम जी पधार रहे हैं ये सबसे बड़ी खुशी हमको 2024 में और उससे बड़ी खुशी हमारे लिए ये डीजी म्यूजिक लॉन्च हुई है शिवाजी हमारे लाडले भाई हैं और अशोक जी हमारे परम पूज्य आदरणीय भाई हैं और बाकी जितने भी आप लोग हैं सभी हमारे आदरणीय हैं और इस टीम से जितने भी जुड़े हैं लोग सभी प्यारे हैं क्योंकि जैसे इन्होंने कहा शिवाजी ने कि भाई समय समय पर म्यूजिक हर फील्ड में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है तो भोजपुरी ज़्यादा बदनाम हो गई थी उसके अंदर क्योंकि भोजपुरी के गानों से नौशाद साहब की कोई भी फिल्म आप उठा के अगर देखेंगे तो उनके फिल्मों में ज़्यादातर के भोजपुरी का ही अंश होता था हम लोग जैसे राजस्थान से तो हमारे गानों में क्योंकि हमारा जो इतिहास है हिंदुस्तानी फिल्म का म्यूजिक का वो हमारे मतलब गाँवों से देहातों से है तो जैसे बिहार के या जो भी गाने होते हैं तो ये अगर जो चैनल बना है ये अपनी तरीके से जो साफ सुथरे गाने लाएगा तो आने वाली पीढ़ी को ओरिजिनल भोजपुरी गानों का पता चलेगा कि हमारे जैसे एक गाना मैं हल्का सा गुनगुना के बताना चाहता हूँ आपको सुनिएगा सर्व पे पगड़िया बांध ले कंधवा पे कुलड़िया धिर ले आगे आगे बेला चले पाछे से किसनवा खेतवा जा तो इतने साफ सुथरे शब्द और इतने साफ सुथरे धुने तो वो मुझे उम्मीद है कि बस वो युग आ गया है कि जैसे राम का युग आ गया तो वैसे अच्छे म्यूजिक का भी युग आ गया है और डीजी
म्यूजिक को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। नमस्कार, जय महाकाल, जय महाकाल। अयोध्या धाम आप सबको आमंत्रण है, वहाँ आने का 22 तारीख को आमंत्रण है, जरूर सब लोग जाइएगा। ऐसा मोदी जी ने सबको कहा है कि भाई जैसे आ सकते आइए, शक्ति यथाशक्ति आइए, वरना घर पे देखिए, लेकिन 22 तारीख को जरूर इस उस दिन को दिवाली की तरह मनाएंगे। मेरे ख्याल से 22 तारीख दिवाली दिवाली होगी, दिवाली दिया जलाइए, दिया दिवाली की तरह होगा, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य ही है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ही लक्ष्य है। मैं कहना चाहता हूँ लक्षद्वीप चले आना, मालदीव नहीं जाना, संकेत मोदी जी का भूल न जाना, उनका प्यार न ठुकराना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, समझ गए होंगे नहीं मेरी बात का अलग मतलब मत निकालिए, क्या मतलब कि लक्षद्वीप जो है हमारा दिया जलने का लक्ष्य जो है 22 तक पूरा होगा, और जय श्री राम अयोध्या धाम तो हम पता है, वैसे मैंने गाना भी बनाया था, तो आप सब तो शुभकामना, जय श्री राम। सर गाने लोटा जी को लेकर मैंने कुछ गजल किया था, वो गजल भी ऐसे ही साफ सुथरा ही बनाया था, उसके बाद तो फिर भोजपुरी जब कर रहे हैं तो भोजपुरी में मेरा दिमाग गया कि देखते हैं अभी जितने भी गाने आ रहे हैं, पहले क्या आते थे गाने पता नहीं, लेकिन अभी भी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट इंडस्ट्री में हैं, सबके गाने अब साफ सुथरा ही आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है हमने शुरुआत की, हमसे पहले भी लोगों ने शुरुआत किया, शुरुआत हो चुकी है, और लोकगीत के नाम पे लोकगीत बनाए जा रहे हैं और बहुत लोग उसको पॉपुलर कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए, मैं लेट हो चुका हूँ। नहीं आप सही बात, तो अभी अच्छे गाने बन रहे हैं और वहीं से हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छे गाने ही बनाए जाए, पब्लिक का सपोर्ट मिला है बनाना ही चाहिए।